सिलतरा सरपंच राम कुमार वर्मा ने स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने एक बड़ी पहल की है। युवा सरपंच ने नगर निगम की तर्ज पर ग्राम पंचायत में सफाई अभियान को टारगेट कर बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। साथ ही एक एक वार्डों में सफाई कर्मी को भेजकर स्वच्छ भारत अभियान को साकार करते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं सफाई को लेकर सिलतरा सरपंच राम कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत होता है जहां विकास का काम सबसे तेज होना चाहिए और सबसे अच्छा होना चाहिए। आपके ग्राम पंचायत में ऐसा क्या खास बात है जो आपने किया है, ऐसा कोई विशेष काम? विशेष काम में हम लोग स्वच्छ सफाई के नाम में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी जी। अपने यहाँ महिला का समूह है, सफाई 17-18 महिला जो है सुबह से गाड़ी लेके जाते हैं, घर घर जाके कचरा उठाते हैं, घर से लेके उसको इकट्ठा करके उसको अलग अलग जो भी बेचने का सामान बेचते हैं, और एक घर के पीछे 30 रुपया उसको दिए जाते हैं उसको जो मेहनत के लिए। इसमें सफाई अच्छा रहता है हम लोग का। और भी हम लोग अपना एक ग्रुप है जी, भारत स्वच्छ मिशन करके, हम लोग 15-20 और एक साथ सुबह हर संडे को हफ्ता में एक बार जो भी जरूरी है कि तालाब वगैरह है उसे सफाई करते हैं। सबसे मेन फोकस सफाई के नाम पे हम लोग का। जैसे कि ग्रामीणों में एक बड़ी आवश्यकता और बहुत लोगों का शिकायत होता है, अब शिकायत वास्तविक है नहीं ये तो आप जानेंगे, राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड के प्रति किस प्रकार से आपने कार्य किया? नहीं, राशन कार्ड में ऐसी पदभार संभाला हूँ ना, तुरंत 250-300 राशन कार्ड गरीबी रेखा बनाया हूँ, और मेरा कंटिन्यू अभी राशन कार्ड के बनाने चलते रहे, उसका प्रोसेस जो है चल रहा है, मैं बनाते जा रहा हूँ। ग्रामीण जो बुजुर्ग वर्ग के हैं जिनको कई तरह के जो पेंशन मिलते हैं, तो उस पर क्या किस प्रकार का फोकस है आपका? पेंशन अभी जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग जो हो जाते हैं जी नहीं जा पाते, उसका प्रयास करते हैं कि यहीं आ जाए पंचायत में, उसका हम लोग घर जाके उसको दे सके। ग्राम पंचायत में किस तरह से जो समस्या जो लेकर जो है ग्रामीण जो आते हैं आपके सरपंच बनने के बाद, किस तरह के समस्या जो है सबसे ज़्यादा रूप से उभर कर आए सामने, जो आपको निवारण के लिए आपसे निर्देशित करते हैं या फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं? नहीं ज़्यादा नहीं, पहले तो क्या आदमी को कार्ड के लिए आते थे पहले, अब तो वो भी हम तो कर बनाते आ रहे हैं तो उसका समस्या है ही नहीं है। दूसरा सफाई का है, सफाई चल ही रहा है, नाली वगैरह है, और लाइट का है, लाइट हम लोग लगाते रहते हैं, लाइट बस 3 चीज़ तो आदमी का क्या चाहिए। सबसे एक बड़ी समस्या जो ग्राम पंचायत में देखने को मिली है, कुछ जगहों से शिकायत भी यही आती है कि शराब पीने वालों की संख्या ग्रामीण अंचलों में बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी काफ़ी लोग शाम देर शाम होते ही शराब का सेवन करने लग जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को जो पारिवारिक जैसे माँ बिटियाँ हैं सब घरों में, तो वो कहीं निकल नहीं पाती हैं, ऐसी कई प्रकार की शिकायत है, क्या कार्य करेंगे इस पर आप? नहीं अभी इसमें हरिडी तो गांव में दुकान है उसका, हाँ हाँ, अभी तो भाई शासन का इसमें हम लोग उसमें नहीं कर सकते, लेकिन इतना प्रयास करते हैं कि गांव में पी के हुल्लड़ ना करे, शांत रहे, पीने में कोई नहीं पर घर में जाके पिए, कोई चौंक चौरा मत पिए, कोई हल्ला वल्ला ना करे, ये प्रयास रहता है। शराब बंदी के लिए कुछ शिविर लगाते हैं क्या, कि थोड़ा तो ताकि गाँव का माहौल अच्छा हो, भविष्य खराब ना हो बच्चों का? नहीं अभी नहीं लगाए हैं, लेकिन अभी हम लोग समूह सब महिला समूह को बात कर रहे हैं, एक बार जाके जन जागरण सब मतलब जागरूक करके निकालना है रैली टाइप ये चल रहा है। ठीक, और क्या बेहतर गांव में जो आपको लगता है कि उस क्षेत्र में बढ़िया काम करना चाहिए? बढ़िया काम कर रहे हैं, हो गया अच्छा से। अब शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक भी क्षेत्र में भी हम लोग प्लान से CSR में भी काम करते हैं, प्लान में 21 लाख का भी स्कूल का निर्माण हो रहा है।